बाज़ लोगों को कब्ज़ हो जाती है, और कब्ज़ भी बहुत पुरानी होती है। तकरीबन उनकी अगर उम्र हो 35 से 40 साल के दरमियान उनको कब्ज़ हो जाती है। बहुत सारे इलाज उन्होंने करवाए होते हैं, आपकी नज़र में उनका इलाज क्या है? कब्ज़ भी तीन तरह से ही होती है, जैसे मैंने तीन कहा कि तीन मेन अज़ा हैं, तो हर हर जो अज़ा बीमार होगा उसकी वजह से ही कब्ज़ होगी। अब तशखीस करना है कि मरीज़ सामने कौन सा है। हाँ जी, अगर जिगर का मरीज़ है तो हम उसको मतलब सकमोनिया, गुलकंद वगैरह सौंफ मिलाकर देंगे तो उसकी कब्ज़ दूर हो जाएगी। और ग़िज़ा भी हम वो हमारे छः नंबर जो हैं तो उसमें से हम वो नंबर तजवीज़ करेंगे तो कब्ज़ उसकी ख़त्म हो जाएगी। अगर उसकी दिल की कैफियत की वजह से है तो उसके लिए हम गर्म ग़िज़ा जिगर वाली तजवीज़ करेंगे, उसकी कब्ज़ दूर हो जाएगी। तो इसी उसमें जैसे दवाई रेमदा सारा वगैरह इस तरह की जो है ना कब्ज़शा और गुलकंद वगैरह भी साथ दे सकते हैं, तो उससे मतलब कि दिल की कैफियत तेज़ हो जाने से जो कब्ज़ होती है, और अक्सर नौजवानों को कब्ज़ इसी वजह से होती है। नौजवान लड़के जिसकी उम्र 30-35 साल है, कब्ज़ हो रही है तो उसकी दिल की ही तरफ से कब्ज़ है। वो खट्टी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, ऐसी ही ग़िज़ाएँ जो है ना खट्टे जिसमें पाए जाए मतलब कि तासीर, वो कम इस्तेमाल की जाए। गर्म चीज़ें इस्तेमाल करें, जैसे आम वगैरह है, खजूर है, तो इससे उसकी कब्ज़ दूर हो जाए।